इस गोले में पड़ती हैं 50 से भी ज़्यादा आइटमें। देखिए एकदम लाजवाब गोला बना हुआ है सर। ड्राई फ्रूट की इतनी सारी वैरायटी इसमें डलती है कि आप देख के हैरान हो जाओगे। एक बार जाइएगा यहाँ विजिट और एक बार गोला यहाँ का टेस्ट करिएगा। बहुत ही शानदार गोला बनाते हैं A1 गोला वाला। ये देखिए सर, ये रबड़ी आइसक्रीम बन रही है गोला और बहुत ही लाजवाब और मुँह में मीठा मीठा एकदम रसीला गोला बनाते हैं। जैसे ही देख के ही मुंह में पानी आ जाए ऐसा। आज हम गए थे हमारे दोस्त चार हम लोगों ने दोस्त मिल के यहाँ गोला खाने के लिए। वहाँ हमने देखा कि इतने सारे लोग खड़े थे और हमको इन साहब से बात करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं गोला खाने के लिए। यहाँ पर इतने सारे गोला की वैरायटी, इनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर। इनके पापा भी यही काम करते थे, इनका लड़का भी इनके साथ काम करता है और छोटा इनका जो है वो भी यहीं पर काम करती है। यानी कि तीसरी पीढ़ी यहाँ पर काम करती हुई। बहुत ही अच्छा लाजवाब गोला बनाते हैं। और ये देखिए कलरफुल, कितने सारे कलर की वैरायटी आपको मिलेंगे। ये मैं 100% बोलता हूँ कि ये जो गोला एक डिश है जो कम से कम 3 जने खाएं, इतनी ये बड़ी डिश है। ये देखिए खटाई के लिए इसमें नींबू भी डालता हुआ। आगे आप देखिएगा पूरा वीडियो तो एकदम से आपको देखने मिलेगा। मैं इसमें बनाया हूँ कम से कम 50 से ज़्यादा गोला का टेस्टिंग किया है, बनाए हैं गोले और सब गोले मैंने एकदम जो इसमें डलती हैं आइटम सब इसमें वीडियो में आपको दिखाया है। ये देखिए पैकिंग आइटम किस तरह से गोले की पैकिंग करते हैं। जो आपको कभी घर पर लेके जाना हो, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर भी होगा तो भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो। ये देखिए ये छोटू जो है वो बना रहा है गोला। ये देखिए किस तरह से इसकी स्टफिंग हो रही है। बहुत ही शानदार गोला बना रहे हैं। ये देखिए इतने सारे कलरफुल हैं। जो बच्चे अगर इस गोले को देख लें, इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अभी आप बोलेंगे मुझे ये ऑर्डर करना है। और जोमेटो या स्विगी से किसी में भी ऑर्डर करोगे ये मुझे मालूम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अभी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि इस तरह से ही वीडियो में बनाता रहता हूँ। और आपके नज़दीकी जो भी रेस्टोरेंट या होटल या किसी भी हो इनको भेजिए जिससे इनके भी मैं वीडियो खींच पाऊँ निकाल पाऊँ। ये देखिए पीछे ऑडियंस देखिए, कितनी सारी ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है, कितने सारे हमारे दोस्त बैठे हुए। ये देखिए टाइम ही नहीं मिल रहा इनसे बात करने का, जो अपन कुछ बोल पाए इनसे कि भाई किस तरह क्या बना रहे। मैंने तो यहाँ पर जाके खाली वीडियो शूटिंग लिया, कुछ बोलने का टाइम ही नहीं मिला मुझे कि क्योंकि इनके पास इतने सारा रस था धड़ाधड़। देखिए डाल रहे हैं इसमें से ये आइसक्रीम स्कूप। देखिए आप कितने सारे स्कूप भर रहे हैं। ये ऐसा नहीं छोटी मोटी थोड़ा सा डाल दिया, पूरा भर भर के स्कूप डाल रहे हैं आइसक्रीम के। ये देखिए सर कितनी सारी आइसक्रीम जा रही है इस गोले में। देखिए हमारे इतने सारे भाई यहाँ पर दोस्त खड़े हुए थे जो गोला बनाते हुए खाने के लिए आए थे जो। ये देखिए ग्लास में भी गोला बन रहा है, पार्सल भी हो रहा है और बहुत सारी आइटमें इसमें मिल रही है। रबड़ी आइसक्रीम और बर्फ़ का जो गोला है, अभी क्या गर्मी की सीज़न आ गई है तो गोला तो ज़रूरी है। और रात को तो यहाँ पर जैसे कोई महफिल जम रही हो इस तरह से एक महफिल जम जाती है। यहाँ पर लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं गोला लेने के लिए। ये देखिए ड्राई फ्रूट भर भर के डाल। मुझे इतना अंदर डीप जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि जूम करने का, इनके पास इतना सारा रस था। पर मुझे लगा कि आपको ये पूरा डिश दिखानी चाहिए गोले की, तो मैंने भाई बहन से बोला इनसे दोस्त थे कि मैं दूर रह के ही आपको मैं वीडियो शूटिंग करूँगा, आपको डिस्टर्ब ना हो इस तरह से। तो मुझे ये वीडियो करने का मौका दिया। पर अगर कोई भी नए कोई आदमी जाए तो ये टाइम भी नहीं मिलता इतना सारा क्योंकि इनके पास इतना सारा रस होता है। आइसक्रीम की स्कूप देखिए आप खाली, ये पूरी पार्सल हो रही है घर पे लेने के लिए, पार्सल सेवा।
यहाँ पर है। अभी बस गर्मी का मौसम आ चुका है और गोला खाने का सबको इच्छा होगी, तो एक बार ज़रूर जाइए एवन गोला गांधीधाम में, जो है गांधीधाम कच्छ। यहाँ से दूर दूर से आदमी आते हैं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर से भी आदमी आते हैं यहाँ पर लोग के गोला खाने के लिए, फैमिली के साथ फोर व्हीलर गाड़ी दूर खड़ी रखते, बाद में बस गोला खाने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये देखिए पार्सल हो रहा है गोला, ये देखिए इतने सारे कलरफुल, आपको देख के ही मुंह में पानी आ गया होगा कि अभी से अभी आपको गोला ऑर्डर करने का इच्छा हो रही होगी। अगर आपको ये गोला खाने की इच्छा हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और सब आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए कि अगर आपके दोस्त यहाँ पर रह रहे हों या फिर घूमने फिरने गए हों तो यहाँ पर एक बार ज़रूर जाएँ। एवन गोला, ये इनका नंबर दिया है, ये देखिए वाह एवन गोला, ये पूरी इनकी डिश मेन्यू नाम, ये देखिए इतने सारे ऑडियंस यहाँ बैठे पूरा फुल, और गांधीधाम का मेन सर्कल है जो वहाँ पर ही इनका स्टोर है। ये देखिए इतनी सारी वैरायटी इसमें जाती है ना, जो आपने कभी कहीं पर भी नहीं देखी होगी, मेरी गारंटी है। एक बार अगर आप इस गोला अगर खाएंगे तो दूसरी बार यहाँ पर अपने दोस्तों को 10 को लेके जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, वो भी मेरी फैमिली बोले एक बार ज़रूर मुझे वापस लेके जाइए यहाँ पर गोला खाने के लिए। तो बस आपका अगर कमेंट आएगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाके एक वीडियो ज़रूर निकालूँगा। ये देखिए रबड़ी और कितनी सारी, और इसमें मावा भी पड़ेगा, ड्राई फ्रूट पड़ गया, मावा पड़ गया, रबड़ी है, कितनी सारी वेराइटी। मुझे लग रहा था कि 50 से भी ज़्यादा ही वेराइटी होंगी इसमें ज़रूर। ये देखिए कलरफुल, इतने सारे कलर डालते हैं कि अपनी आंखों को ऐसा लग रहा है कि आनंद आ जाए यूँ। और हाफ डिप्स और फुल डिप्स भी इसमें मिलती है, जैसे कि आधा गोला लेना हो या फुल गोला। ये देखिए ड्राई फ्रूट से भरे हुए सब, आइसक्रीम से भरे हुए लबालब, क्या शानदार गोला बन रहा है सर, देख के ही मुंह में पानी आ गया। अभी से मेरी इच्छा हो रही है यहाँ से एक ऑर्डर कर दूं। ये देखिए ड्राई फ्रूट भर भर के ड्राई फ्रूट जा रहा है। रेस्टोरेंट स्टोरी चैनल में अगर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। ये देखिए वाह एकदम कलरफुल गोला, ये हाफ गोला बना हुआ है, इसमें मावा पड़ रहा है, ये मावा है। बहुत सारे गोले की मुझे वैरायटी देखने मिली यहाँ पर, तो मैं भाई से कुछ भी बात नहीं कर पाया क्योंकि इनके पास इतना सारा रस था, तो मैंने ही सोचा मैं ही अपना वीडियो अपना वॉइस डब करके आपको पूरी यहाँ की स्टोरी समझा दूँ। शॉर्ट वीडियो तो जल्दी वायरल होते हैं पर लॉन्ग वीडियो भी, ये 100% मुझे मालूम है कि 2 से 4 MB में ज़रूर जाएगा। इस वीडियो को करोड़ों लोग देखें, इसके लिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा। जिस तरह से शॉर्ट वीडियो वायरल होता है ना, इसी तरह से ये वीडियो वायरल होना चाहिए। गांधीधाम का नंबर 1 गोला है और पूरे कच्छ में मुझे पता है इस इनके जैसा गोला कोई नहीं बनाता होगा, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी डालते हैं ना अंदर के, देखते ही अपने मुंह में पानी आ जाए। मैंने ये जो वीडियो निकाला है 10-12 मिनट का है जो, पर ये भी बहुत ही कम पड़ा, वहाँ पर अगर मैं जाता तो 1-2 घंटे निकल जाते, मेरे 100% पता था। एवन गोला गांधीधाम, इनका सेटअप अगर देखिए बहुत छोटा है पर इनके पास स्पेस इतनी बड़ी है कि आपकी बहुत सारी फोर व्हीलर गाड़ी अगर यहाँ पर खड़ी हो ना एक साथ से 10-20-50 गाड़ियाँ भी,
तो भी कम पड़े, इतना सारा स्पेस है यहाँ पर रुकने के लिए। और सिटी के बीचों बीच गांधीधाम का मेन सर्कल लीलाशाह, अपना गांधीधाम का मेन सर्कल झंडा चौक, झंडा चौक में यह एवन गोला। गांधीधाम में आप जाइए कच्छ में तो कभी कहीं पर पूछिए कि एवन गोला, यानी डायरेक्टली यहीं पर आप, और गूगल में आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली एवन गोला का आपको लोकेशन नज़र आएगा। और अगर गूगल ट्रेडिंग में आप जाइए तो भी आपको डायरेक्टली एवन गोला के आपके मिल जाएंगे। और इनका ये वीडियो जो है फर्स्ट टाइम मैंने निकाला था यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए, ये मैंने फेसबुक में भी डाला हुआ है और फेसबुक यूट्यूब में भी। ये देखिए, ओहो बेहतरीन गोला बनता हुआ, कलर तो देखिए सर, वाह मज़ा ही आ जाएगा आपको गोला खा के आज। इतने सारे वैरायटी मैंने देखे नहीं, यहाँ पर मेरी होश उड़ गए कि रबड़ी तो एकदम भर भर के डालते हैं ये गोला रबड़ी और गोला डिश, गोला रेसिपी। ये देखिए कलर, देखिए यहाँ के खाली आप कलर ही आंखों को आकर्षित करते हैं और ये कलर भरपूर के डालते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट से लबालब भरा हुआ डिश गोला रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी गोला की यहाँ पर आज आपको देखने मिलेगी। और वॉइस ओवर मेरा है क्योंकि भाई के पास मुझे टाइम नहीं मिला, आपको पता ही था पहले मैंने बता दिया। और ये देखिए ड्राई फ्रूट से भरी हुई यहाँ की ड्राई फ्रूट, देखिए आप इतने सारे पड़े हुए, ये देखिए ओहो देखते ही आपको आनंद आ गया। जेरी देखिए, टूटी फूटी देखिए, बहुत सारी आइटमें यहाँ पर ये जो गोला में पड़ती हैं। और बच्चे तो यहाँ देख के ही रोमांचित हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने देखा हो तो सब्सक्राइब कर दे।